हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिप्स बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि मेरा है। चिप्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। पहले आपने आलूओं को अच्छे से कटिंग कर लेना है। कटिंग करके मैंने इनको ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगोया था। उसके बाद मैंने उसके पानी को अच्छे से निकाल लिया है और निकालने के बाद मैंने आलू जो कटिंग की है उसको एक बॉल में डाल रही हूँ। बॉल में डाल के आपने इसमें जितने मेरे पास आलू हैं उसके हिसाब से मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। मैंने 3 चम्मच इसमें बेसन ऐड किए हैं। उसी हिसाब से मैंने आधी चम्मच और आधी से भी कम चम्मच मिर्च, सब मसाले लिए हैं, जिसमें ये लाल मिर्च है आधी चम्मच, चुटकी भर हल्दी है, हसबे जायका नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं छोटी चमची, गरम मसाला है, ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अजवाइन है, तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जिसके लिए आपको पानी की ज़रूरत है, आपने पानी बहुत कम ऐड करना है। पानी कम ऐड करने का कि आपका ये जो पेस्ट है पतला ना हो जाए। बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको बेसन कम लगे तो फिर आपने बेसन, ये जो मैंने अपना अभी बेसन डाला है इसके 2 चम्मच थे, 2 चम्मच और ऐड कर दिए। पहले मैंने 3 किए थे, अब मैंने 2, यानी कि आधी कटोरी मैंने डाली है। फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने से ये आपके आलूओं के ऊपर सारा मसाला लग जाएगा, अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद आपने अच्छे से इसका मसाला आलूओं पे लगा देना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए इसको रखना है। रखने के बाद आप इसकी शक्ल देख रहे हैं। अब ये तमाम मसाले इस पे आलूओं पे लग गए हैं, आपकी जो चिप्स है। अब हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल गरम, आपने कोशिश करनी है कि ऑयल गरम हो, ऑयल ठंडा ना हो। ऑयल जितना गरम होगा वो अच्छे से फ्राई होंगे। उसके बाद आप इसमें डालें, ये देखें ऑयल गरम था और वो फ़ौरन से उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब आपने तमाम चिप्स जो आपने मिक्स किए हैं उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना है, लेकिन एकदम से आपने इसको नहीं हिलाना। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी देर आप इसको जब पकने देंगे तो वो एक साइड पक जाएगी, तो फिर आपने उसको टर्न करना है ताकि वो जो हमने बेसन लगाया वो अच्छे से इसके साथ ही लगा रहे, वरना वो ऑयल में मिक्स हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको साइड चेंज कर रही हूँ और इसको हिला रही हूँ। ऐसे ही आपने करना है। अब अच्छे से मिक्स करना। अब हम तमाम चिप्स को अच्छे से हिलाएंगे और हिलाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे मिक्स करने के बाद। मिक्स करने के बाद छोड़ने का रीज़न देखेंगे। आपने अब इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आपने ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। हमने इसको इसलिए गोल्डन ब्राउन किया है क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसमें जो जितना वो चीज़ें डाली हैं बेसन और सब, उन सब चीज़ों का टेस्ट चले जाएगा। इसलिए आपने गोल्डन फ्राई करना है इनको और फिर निकाल लेना है। जी, ये चिप्स तैयार हैं। आप ज़रूर इसको, इस मेरी रेसिपी को यूज़ कीजिएगा, बना के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो देख ही ली है तो लाइक और शेयर तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।